हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम बात कर रहे हैं स्टेप्स की। बहुत सारे दोस्त जो है, बिलीव कीजिए कि अपने जो होमलैंड कंट्री है उसमें रहते हुए जब वो टर्की में प्रॉपर्टी बाय करने के लिए आते हैं तो उनका होमवर्क नहीं होता, और होमवर्क ना होने की वजह से यकीनन उनका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ, आप कोई भी काम करना चाहें तो पहले उसका होमवर्क करें। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं, जो प्लाजाज हैं और जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वो पहले पेपर पे बनती हैं। उनका पहले जो है वो नक्शा बनता है और फिर फिजिकली उनके ऊपर काम होता है। तो होमवर्क बहुत ज़रूरी है। उस होमवर्क में ये है कि जो भी काम करने लगे हैं आप अपने दोस्तों से मशवरा कीजिए। गूगल दोस्त आजकल सबसे अच्छा दोस्त है, यूट्यूब दोस्त बहुत अच्छा दोस्त है, इनसे आप मशवरा कर लिया करें। बहुत अच्छे मशवरे आपको देंगे और यहाँ से आपको बेशुमार नॉलेज जो है वो मिलेगा, और वो नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। हमेशा नॉलेज फ़ायदा देता है अगर उसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्टिव हो, ना कि डिस्ट्रक्टिव। लेट्स कम टू द पॉइंट। सबसे पहले ये है कि जो स्टेप्स आपने लेने हैं प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, उनमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है गेटिंग आर टैक्स नंबर। सबसे पहले आपके पास टैक्स रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ये जो टैक्स नंबर है, इसके लिए आप फिजिकली गोज इदारे में जाते हैं और वहाँ पर आपने अपने पासपोर्ट की फोटोकॉपी देनी है, और इसके साथ साथ आपने जो है एक फॉर्म है वो फिलअप करना है। सिंपल आपको जो है वो आपकी टर्न जब आएगी अंदर जाने दिया जाएगा, और एक छोटे से पेपर के ऊपर आपको आपका टैक्स नंबर लिख के दे दिया जाएगा। ये तो एक फॉर्मल जो है वो वे है, लेकिन इसके साथ साथ एक ऑनलाइन सॉल्यूशन भी है। आप टैक्स नंबर की जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाइए, और वहाँ पे आपसे जो है वो आपका नेम और सरनेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट, पासपोर्ट की जो है वो वैलिडिटी ये पूछा जाएगा, आपका एड्रेस पूछा जाएगा और आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। और ये चीज़ें फिजिकली फॉर्म के लिए भी जो है वो ज़रूरी होती हैं। आप ये सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन एंटर करते हैं और आपका टैक्स नंबर जनरेट हो जाता है। कुछ ऐसे केसेस जिनमें नाम जो है उसमें थोड़ा टेक्निकल जो है वो कोई डिफरेंस हो, लाइक नेम एंड सरनेम जो है उसमें कोई डैश आते हो, लाइक इजहार उल हक। अब इजहार और उल और हक, ये तीन बेसिकली नाम बनते हैं, तो इसमें समटाइम्स जो है वो ऑनलाइन जनरेट नहीं होता, तो उसके लिए फिजिकली आप जो है वो जाके टैक्स नंबर जनरेट कर लेते हैं। सेकंड जो है वो है ओपनिंग अ टर्किश बैंक अकाउंट। टर्किश बैंक अकाउंट के लिए वैसे तो फिजिकली आपका होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लास्ट डेज में हमने एक सिटीजनशिप जो है वो लेके दी है अपने एक कस्टमर को कोरिया से, तो वो फिजिकली जो है वो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन हमने उनका अकाउंट ओपन करवा लिया। अब इसके लिए ज़िरात बैंक ने ये कहा कि हम अकाउंट ओपन ज़रूर कर देंगे, चूँकि पावर ऑफ अटॉर्नी लॉयर के पास थी, लॉयर मौजूद थे, और लॉयर ने जाकर रिक्वेस्ट की बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, लेकिन कोई भी बैंक जो है वो अकाउंट ओपन करने के लिए एग्री नहीं था। वो एक ही बात करते थे जी कि क्लाइंट जो है या एप्लीकेंट जो है फिजिकल मौजूद हों और फिर बैंक अकाउंट ओपन होगा, लेकिन ज़िरात बैंक जो है उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम पावर ऑफ अटॉर्नी जो लॉयर के पास है उस पर हाँ पे अकाउंट ओपन कर देते हैं एप्लीकेंट का, लेकिन कंडीशन ये होगी कि ना तो हम ऑनलाइन ऐप देंगे, ना ही हम ATM कार्ड देंगे, और कोई ट्रांजैक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी मस वाइज इसके कि जो एप्लीकेंट है, जो अकाउंट होल्डर है, उसके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हम करेंगे डेवलपर के अकाउंट में, यानी जहाँ पे वो प्रॉपर्टी बाय करेंगे। और इस कंडीशन पे उन्होंने जो है वो अकाउंट ओपन किया और इस तरह हमने ट्रांजैक्शन भी करवाई। लेकिन एक सोल्यूशन और है, पाकिस्तान में HBL है और यहाँ पे इस्तांबुल में भी एक ब्रांच है, और पाकिस्तान में अलबरका है और यहाँ पे भी अलबरका की ब्रांचेज हैं। अलबरका ने हमें ये ऑप्शन दी थी कि आप अपने क्लाइंट से बोलिए कि वो जाएं वहाँ पे अलबरका में अपना अकाउंट ओपन करवाएं,
और फिर अलबरका जो है उनके पाकिस्तान में जो अकाउंट ओपनिंग है उसकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करेगा, और हम वो जो क्वाइफ होंगे उन्हें टैली करेंगे और वेरीफाई करने के बाद फिर हम जो है वो अकाउंट ओपन कर देंगे। तो ये बेसिकली जो है वो दूसरा आपका जो स्टेप है वो है अकाउंट ओपनिंग। अब फिजिकली अगर आप यहाँ पर मौजूद होते हैं तो फिर किस तरह अकाउंट ओपन होता है, उसके लिए आपके पास आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, आपका टैक्स नंबर होना चाहिए और कोई भी यूटिलिटी बिल होना चाहिए जिसके ऊपर आपका नेम एंड सरनेम जो है वो मौजूद हो, वो चाहे आपके अपने होमलैंड कंट्री का ही क्यों ना हो। तो ये तीन चीज़ें जब आपके पास होती हैं, इसके अलावा ये होता है कि अगर आपके पास नफूस हो या आपके पास नुमारा ताज हो, इस तरह की चीज़ें जो है वो हेल्प करती हैं आपके अकाउंट ओपन करवाने में। तो ये सेकेंड स्टेप जो है वो हमारा पास हुआ। थर्ड जो है वो है मनी ट्रांसफ़र। अब आपने ऑब्वियसली प्रॉपर्टी बाय करनी है तो आपके लिए जो आपका अकाउंट है उसके अंदर $2,50,000 की आपके पास जो है वो अमाउंट मौजूद होनी चाहिए। तो मनी ट्रांसफ़र जो है इसके लिए ये ख्याल रखिएगा कि आपने अपने पर्सनल अकाउंट से डेवलपर के अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र करनी है। यानी ऐसा नहीं है कि आप अपना कंपनी अकाउंट जो है उससे आप डेवलपर के अकाउंट में कर दें तो भी जो है वो ऑब्जेक्शन लगेगी, और अगर आप अपने पर्सनल अकाउंट से डेवलपर अकाउंट की बजाय कंसल्टेंट के, एजेंट के या किसी भी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो भी, इवन आप जो है वो अपने पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर लॉयर के अकाउंट में भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। डायरेक्टली जिस डेवलपर से आप प्रोजेक्ट जो है वो बाय कर रहे हैं आपको उन्हीं के अकाउंट में जो है वो करनी चाहिए। फोर्थ स्टेप जो है ये है फाइंडिंग द प्रॉपर्टी। ऑफ कोर्स किंग क्लैब कंसल्टेंसी इज ऑलवेज एट योर डिस्पोजल, वी आर हेयर टू असिस्ट यू टू फाइंड आउट योर प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें जो आपको इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो मद्देनजर रखना है वो ये है, प्रॉपर्टी वो बाय करनी है आपने या वो फाइंड करनी है आपने जो कि सूटेबल फॉर सिटीजनशिप हो, और सेकंड जो है वो ये है कि उसकी जो वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्टाइज रिपोर्ट मिनिमम $250,000 होनी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता $10 भी कम होगी तो आपकी सिटीजनशिप अप्रूव नहीं होगी। और सेकंड फिर जो है वो आपको ये करना पड़ेगा कि बैक स्टेप होना पड़ेगा। बाय लॉ आप अगर किसी भी यहाँ पे डेवलपर से प्रॉपर्टी बाय करते हैं और उनकी अगर सिटीजनशिप के अकॉर्डिंग $2,50,000 की एक्सपर्टाइज रिपोर्ट नहीं आती तो दे आर बाउंड टू गिव बैक टू यू योर मनी। और अगर आपने उन्हें टोकन दिया हुआ है, कुछ एडवांस पेमेंट की हुई है और 15 डेज के अंदर आप वैसे ही ले सकते हैं, अगर रिपोर्ट नहीं भी है लेकिन आप कहते हैं जी मेरा माइंड नहीं है, तो फिर भी 15 डेज के अंदर आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं बगैर किसी कटौती के, किसी किस्म के जो है वो प्रॉब्लम के। तो इसमें जो है वो हमने बात ये की कि जब आप प्रॉपर्टी फाइंड कर रहे हो तो एक तो ये है कि वो उसकी सिटीजनशिप के लिए वो क्वालिफाई करनी चाहिए, नंबर टू ये है कि उसकी एक्सपर्टाइज जो रिपोर्ट है वो आपकी $2,50,000 के मुताबिक होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप जब आपने प्रॉपर्टी फाइंड कर ली, ऑफ कोर्स आपने बाय करनी है, और बाय करने के लिए जो है वो हम यहाँ पर मौजूद हैं आपको असिस्ट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, और आपको बेहतरीन जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर हमारे डिस्पोजल पे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जो अमाउंट है ये यकीनन आपके बैंक ट्रांसफ़र होनी चाहिए थ्रू योर पर्सनल अकाउंट टू द डेवलपर कंपनी अकाउंट, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट स्टेप है जी आपका ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कन्फॉर्मिटी। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ कन्फॉर्मिटी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी ये एक सर्टिफिकेट है जो ये कन्फर्म करता है कि नाउ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड अर्बनाइजेशन जो है उसमें आपका लॉयर अप्लाई करता है और वहाँ से ये आपको मिलता है, और जब ये डॉक्यूमेंट मिलता है तो फिर ही आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी सिटीजनशिप के लिए। यानी ये जो है, ये जो आपका लेटर ऑफ कन्फॉर्मिटी है या सर्टिफिकेट ऑफ कन्फॉर्मिटी है ये बेसिकली जो है वो बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए ये ज़रूरी है जो आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने के लिए चाहिए, यानी कि जो प्रॉपर्टी आपने बाय की उसकी कंप्लीट डिटेल,
अगर उसका टापू रेडी था तो फिर टापू की आपके पास जो है वो होनी चाहिए कॉपी। अगर टापू नहीं था, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था, और आपके पास फिर नोटर की जो है वो होनी चाहिए सारी डिटेल। वो डिटेल सारी मौजूद होगी तो फिर आप जो है वो अप्लाई कर सकेंगे सर्टिफिकेट ऑफ कन्फर्मिटी के लिए। और जब ये आपको मिल जाएगा तो नेक्स्ट जो स्टेप है, यानी सेवंथ स्टेप जो है वो है टू अप्लाई फॉर टर्किश रेजिडेंसी। आपके लॉयर जो है सबसे पहले आपकी टर्किश रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं। अब ये जो रेजिडेंसी है ये अप्लाई होती है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइग्रेशन एंड मैनेजमेंट में, और ये आपकी परमानेंट होती है। यानी जो हमारा पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो जो CNIC होता है, जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, और ये परमानेंट होता है। सिटीजनशिप अगर आपकी अप्रूव होती है तो डेफिनेटली आपको पासपोर्ट मिलता है, लेकिन पासपोर्ट के साथ साथ आपको एक आईडी कार्ड भी मिलता है। तो ये आईडी कार्ड के लिए जो है वो अप्लाई किया जाता है। और उसके बाद जो है लास्ट बट नॉट लीस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि एप्लीकेशन फॉर टर्किश सिटीजनशिप। और ये जो एप्लीकेशन है ये भी आपकी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइग्रेशन मैनेजमेंट में जो है वो अप्लाई की जाती है। ये लॉयर करता है और वो जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे इकट्ठे करता है और इकट्ठे करके वो अप्लाई कर देता है। नॉर्मली इट टेक्स 90 to 120 डेज टू गेट योर पासपोर्ट, और पासपोर्ट लिए बगैर आप अपने कंट्री में वापस भी जा सकते हैं, और बाद में पासपोर्ट जो है वो आपको आपके कंट्री में भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो ये स्टेप्स हैं, इस तरह आपने जो है वो लेके चलना है स्टेप बाई स्टेप अपनी इस सारे प्रोसेस को। चूँकि प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया होगा, प्राइसेस के, लोकेशन के, लेकिन ये जो प्रोसेस है इसके बारे में बहुत कम लोग जो है उन्हें इन्फॉर्मेशन है। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास होगी तो कम अज़ कम आप परेशान नहीं होंगे, आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, इवन आपका जो है वो पैसा ज़ाया नहीं होगा। मज़ीद इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट टॉपिक है आप कमेंट कर दीजिएगा, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगी इंशाल्लाह हम वो आपके साथ नॉलेज शेयर करते रहेंगे। और आपसे हम्बल गुजारिश है कि ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, पर्पस इनका जो है वो ये होता है कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर की जाए, आपको एजुकेट किया जाए, आपको एक्नॉलेज किया जाए, आपको उस सिस्टम के बारे में बताया जाए जो कि आपको मालूम नहीं है, और वो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए जो आपके लिए हेल्पफुल रहती है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इसे शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी रेलिवेंट पर्सन है जो प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं यहाँ पर और उन्हें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। अल्लाह पाक आपका बहुत सारा हामी और नासर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा।